अच्छा तो ये हमारी क्या है जी, एक रिएक्ट की एक चलती भी ऐप है, एक प्रॉपर ऐप है। इस ऐप को अब हमने कन्वर्ट करना है PWA के अंदर, ठीक है। PWA क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन होती है। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन जो होती है उसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं ऐसी जो एक आम वेब एप्लीकेशन में नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वो इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, जैसे कि आपको यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस बटन पर मैं हाथ रखता हूँ तो क्या लिखा हुआ आता है? इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप सैम्पल, ठीक है। ये सिर्फ प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन के अंदर आता है, ये नॉर्मल वेब एप्लीकेशन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इट मींस कि हमारी जो ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी एक प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन है। अच्छा, तो ये क्यों है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन? क्योंकि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किसी भी नॉर्मल वेबसाइट को, ज़रूरी नहीं कि वो रिएक्ट पे हो, HTML की प्लेन वेबसाइट को भी आप PWA बना सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को PWA बनाने के लिए उसमें दो फाइलें आपको चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है मैनिफेस्ट की फाइल और एक चाहिए होती है सर्विस वर्कर की फाइल। तो जो रिएक्ट का जो बॉयलर प्लेट है ना, जो हम जब NPM स्टार्ट करते हैं, नई ऐप क्रिएट करते हैं, तो जो पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट बना हुआ आता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना, आपको वो दोनों फाइलें भी दे रहा होता है। अच्छा, उसमें दोनों फाइलों में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन पहले से हुई हुई भी होती है, जब ही यहाँ पे ये बटन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिनका जिक्र हो रहा था। सबसे पहली कैपेबिलिटी तो ये आ जाती है कि ये ऐप इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ रहा है कि यार इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप सैम्पल, ठीक है। इसकी जगह मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। जब ये इंस्टॉल होगी तो उसमें आइकन वगैरह कहाँ पे क्या आने हैं, क्या नहीं आने, वो सारी चीज़ें मैं खुद से सेट कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। मैं क्लिक करता हूँ, देखो लोगो बना हुआ रहा है उन्हीं का जो लगाया हुआ उन्होंने, नाम उन्हीं का लिखा हुआ रहा है और नीचे URL लिखा हुआ रहा है वेबसाइट का, जो कि मेरा फ्री वाला डोमेन गूगल ने जो मुझे फ़िलहाल के लिए दिया हुआ है। इसको मैं जैसे ही इंस्टॉल दबाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे कंप्यूटर में एज अ ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और मेरे कंप्यूटर में ये एज अ ऐप इस तरह खुल जाता है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसको मैं छोटा बड़ा ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ जैसे आम ऐप मिनिमाइज़ होती है, ठीक है। इसको मैं फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये बिहेव कर रही है। अच्छा, तो एक तो ये कैपेबिलिटी हो गई, इसको फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट करने के लिए इसको मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे नया टैब खोलूँगा मैं, और नया टैब खोल के यहाँ से ऐप्स में जाऊँगा मैं, ठीक है। मेरे गूगल क्रोम के अंदर जो ऐप्स इंस्टॉल है मैं उसमें जाऊँगा। कैसे जाऊँगा उसके अंदर ऐप्स में? मैं यहाँ पर एक जगह पर ऐप्स आ रही होती हैं यार, एक्सटेंशन में आती हैं ऐप्स, मैनेज एक्सटेंशंस, नहीं, यहाँ पे नहीं, ऐप्स होती हैं जो इसमें इंस्टॉल हुई भी होती हैं। मैं लिखता हूँ इसमें ऐप्स, ये तो मैं एक्सटेंशन में आ गया यार। वो यहाँ पे एक बना हुआ रहा होता है पट्टी, वो पता नहीं मैंने गायब कर दिए शायद। वेल, मैं सेटिंग में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं आता कहीं, ये तो एक्सटेंशन का वेब स्टोर आ गया। चलो मैं सेटिंग में जाके ना इसको सर्च करता हूँ। मैं लिखूँगा ऐप, कहाँ गायब शो हो गया यार। यार आई थिंक मैं व्यू में जाके ना वो वाली पट्टी वापस लाता हूँ। ऑलवेज शो बुकमार्क बार, बुकमार्क बार, अबे कहाँ से आता था वो भाई? यार गूगल कर लेते हैं, ओपन ऐप इन क्रोम। ट्यूटोरियल देखना पड़ रहा है, अल्लाह की कसम यार। अबे ये नीडों के पहले इश्तिहार दिखा दे रहा है यार, 3 साल के बच्चे, बताओ जरा, हट जाए यहाँ से। शो ऐप्स इन न्यू टैब, ये वाली जगह मैं ढूंढ रहा था। सही है, ये वाली जगह। अच्छा, कह रहा है कि यार मैक में आप दबाओगे कमांड प्लस एल दबाओगे आप, हैं?
ये क्या बकवास है यार। यार यहाँ पे कहीं आ रहा होता था, मोर फ्रॉम गूगल पे करते हैं शायद, यहाँ से आ जाए। नहीं यहाँ से भी नहीं आ रहा। ओके अकाउंट, अकाउंट में भी नहीं आ रहा। यार यहाँ पे एक बटन बना हुआ आता था इस जगह पे, ऐसा बटन बना हुआ आता था, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। उसके अंदर जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो सारी ऐप सामने बनी हुई आ जाएगी। ये होगा वहाँ पे वो इंस्टॉल हुई भी शो हो रही होगी। वैसे तो वो यहाँ पे भी शो होगी इंस्टॉल, ये भी इंस्टॉल हुई भी है सैम्पल टू, ये देख रहे हो। आईटिया तो बड़ा अच्छा दिया तुमने, अदरवाइज मैं इसको ऐसे जो है ना यहाँ पे नहीं कर सकता वो ना। क्रोम ऐप्स है ना, ये देखो ना क्रोम ऐप्स जो आ रही हैं, क्रोम ऐप्स लिख के सर्च करता हूँ यार, सी क्रोम ऐप्स। हाँ ये इसका यूआरएल है, ये लिखने से आता है ये, ठीक है गॉट इट। स्लैश स्लैश ऐप्स, वे क्या लिखा था इसने, कैसे लिख दिया था। ये आ गया, सही है, ये वाली जगह मैं ढूंढ रहा था। अब ये क्रोम कॉलन स्लैश स्लैश ऐप से आता है ये, इसका एक बटन हुआ करता था इधर, अब वो बटन पता नहीं मैंने उड़ा दिया छुपा दिया क्या किया। यहाँ पे देखो ये गूगल ड्राइव की भी ऐप इंस्टॉल है, यूट्यूब की भी ऐप इंस्टॉल है, ठीक है, जितनी भी PWA को आप इंस्टॉल करते हैं वो सारी आपको यहाँ शो रही होती है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा इसको और इसको मैं अनइंस्टॉल कर दूँगा तो ये यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। इसको भी राइट क्लिक करूँगा मैं, इसको अनइंस्टॉल करूँगा तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब मैं वापस अपनी ऐप में जब जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये तो लोकल वाला चल रहा है ना, लोकल वाले को बंद करो। जो नया वाला था उसका क्या नाम था, SMIT डेमो नाम था ये रहा। तो अब मुझे ये अगेन नॉर्मल तरीके से देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वंस अगर मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं इंस्टॉल का बटन दोबारा दबाता हूँ, ये इंस्टॉल हो गई ऐप, सही है, और ये खुल के भी आ गई। मगर मैं इसको बंद कर देता हूँ अगर, और मैं दोबारा आगे यहाँ पे SMIT डेमो लिखूँगा ना, तो देखो यहाँ पे बता रहा है, ये बोल रहा है भाई PWA इंस्टॉल है उस पे चले जाओ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे दिखा रहा है, ओपन करूँगा ये उस पर ओपन हो जाएगी, कह रहा है ये पहले से ऐप इंस्टॉल है आपके पास। वेल दूसरा ये कैपेबिलिटी होती है PWA के अंदर कि आप उसमें ना नोटिफिकेशन भिजवा सकते हैं, ठीक है। जब तक आप अपनी ऐप को PWA नहीं बनाएंगे आप नोटिफिकेशन वाला फ़ीचर आप मिस कर रहे होते हैं। अच्छा तीसरा जब ये मोबाइल पे खुलता है ना, ये वाला पेज जो ये SMIT डेमो वाला ही मैंने खोला है, जब ये वाला पेज मोबाइल पे खुलता है तो वहाँ पे भी क्या आ रहा होता है, ऑप्शंस के अंदर एक इंस्टॉल का मेन्यू आ रहा होता है ना। अगर मैं आपको मे बी दिखा पाऊँ अपने कंप्यूटर पे, क्रोम इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और अपने मोबाइल में मैंने पेस्ट किया, एंटर हिट किया,
अच्छा यार ये आईफोन में आई थिंक अभी तक सपोर्ट इसकी आई नहीं है, आईफोन में अभी तक इसकी सपोर्ट ही नहीं आई PWA को इंस्टॉल करने की। एड टू PWA भी साथ में लिख देता हूँ ना। नेविगेट टू द साइट, प्रेस द शेयर बटन एंड सेलेक्ट द एड टू होम स्क्रीन। अच्छा शेयर बटन सेलेक्ट कर दिया और एड टू होम स्क्रीन। अच्छा आ रहा है, एड टू होम स्क्रीन आ रहा है। अच्छा एड टू होम स्क्रीन करने से क्या होता है? नहीं इट जस्ट बिहेव्स लाइक PWA। मैं आपको अपने ये शेयर करके दिखाता हूँ स्क्रीन कि कैसा दिख रहा है ये। ये नॉर्मल ऐप में इस तरह नहीं बनता, नॉर्मल ऐप में ये दूसरे तरीके से बनता है। अच्छा ये मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पास ना, तो मेरे पास अब देखो ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है ये सफारी में खुला हुआ है, ये सफारी के सारे टैब्स खुले हुए हैं। ठीक है और ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई ना, मुझे ऐसे दिख रही है यहाँ पे ये। सही है। अच्छा अगर मैं किसी दूसरी वेबसाइट के साथ यही करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक Lamborghini.com खुला हुआ है। अब Lamborghini.com पे मैं जाता हूँ तो इसमें भी ऐड टू होम स्क्रीन आ तो रहा है। जब मैं इसको ऐड टू होम स्क्रीन करता हूँ तो ये ब्राउज़र में लेके जाता है मुझे। देखो ये ब्राउज़र में लेकर आ गया। ठीक है मैं दोबारा इसको बंद करता हूँ और बंद करके इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो ये मुझे दोबारा ब्राउज़र में लेकर आ गया। ठीक है ये ब्राउज़र में खुला हुआ है, लेकिन जब मैं अपनी ऐप पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये मुझे ब्राउज़र में नहीं लेके जाता बल्कि ये अपनी एक ऐप के तौर पे यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है देखो सफारी अलग से आ रही है, गूगल क्रोम यूट्यूब अलग से आ रहा है और ये अलग से आ रही है। अभी मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया हुआ तो ये बिल्ट इन एक नाम आ रहा है। इसका आइकन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये PWA होने की वजह से क्या हो रहा है कि इट बिहेव जस्ट लाइक अ मोबाइल ऐप। अच्छा और मोबाइल फ़ोन पर भी जाहिर है ये नोटिफिकेशन मुझे देगा ये। अच्छा तो एक तो ये हमने देख लिया। अच्छा इसी तरह एंड्रॉयड के ऊपर भी क्या हो जाता है ये, जब आप गूगल क्रोम के ऊपर इसको खोलते हैं तो अच्छा इसमें इन्होंने बोला आईफोन के अंदर कि सिर्फ सफारी पे ये काम करेगा, गूगल क्रोम पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि सफारी इनका ऑफिशियल ब्राउज़र है और ये ज़रा उसको प्यार बहुत है इनको उससे। अच्छा इसी तरह जो एंड्रॉयड के अंदर जो सबसे फेमस ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है, तो उस पर जब आप खोलते हैं तो उस पर भी क्या होता है इसी तरह ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होता है या इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होता है। उससे आप इंस्टॉल करते हैं तो जस्ट लाइक अ मोबाइल ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है अच्छा अब एक तो ये सीन हो गया जी। तो ऐसा होने की वजह से क्या हो गया, मेरी ऐप कहाँ कहाँ चलने के काबिल हो गई। वेब ब्राउज़र में तो पहले ही चल रही थी, एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलने लग गई, एज अ मोबाइल ऐप चलने लग गई एंड्रॉयड और iOS दोनों के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई एंड्रॉयड की ऐप तो एंड्रॉयड के ऐप स्टोर पे पब्लिश होती है तो वो कैसे करेंगे हम, है ना। और आईफोन की जो ऐप है, एक तो चलो ये होगा ना कि आपके पास ये PWA खुला, आप ज़बरदस्ती पॉपअप दिखा दोगे बंदे को कि यार ये आप ऐसे अलर्ट दिखाओगे कि यार आप इंस्टॉल करो इसको, फला जगह जाओ क्लिक क्लिक करो इंस्टॉल करो। लेकिन अगर कोई बंदा आप ऐप स्टोर का लिंक मांग रहा है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव की जो ऐप है वो तो ऐप स्टोर पर चली जाती है, ठीक है, तो हाँ इसके अंदर भी वो पॉसिबल है। अच्छा इसके अंदर वो कैसे पॉसिबल है, पहले तो देख लेते हैं कि वो दोनों फाइलें जो चाहिए होती है ना हमें PWA बनाने के लिए, वो फाइलें हैं कौन सी और वो किस तरह से बनती है। आ जाते हैं अपने कोड में वापस हम। ये हमारा कोड है। नेटिव कैपेबिलिटी आ जाती है लेकिन सारी नहीं आती। नेटिव कैपेबिलिटी बस ये आ जाती है कि जी आप कैमरा वैमरा एक्सेस कर लेते हैं, दैट्स इट। कैमरा तो वैसे भी हो जाता है, वेब ब्राउज़र में भी आजकल एक्सेस हो जाता है कैमरा, डायरेक्ट वेब ब्राउज़र में कैमरा का व्यू आप ओपन कर सकते हैं अब। सही है। अच्छा तो क्या करने लगे थे हम, ये मैं गया वेब के फोल्डर में, जो कि मेरा पूरा रिएक्ट की जो ऐप है वो तो ये वेब का फोल्डर है, राइट। अच्छा इस वेब के फोल्डर में जाके मैं पब्लिक में गया। पब्लिक के अंदर आप देखें manifest.json यहाँ पे रखा हुआ है। इस manifest.json को आप शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फैव आइकन वगैरह लिखा हुआ है, उसका साइज़ वगैरह लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट।
तो अगर मैं इस नाम को चेंज करूंगा ना, और इस नाम को चेंज करके मैं बिल्ड बनाऊंगा अगेन, तो इंस्टॉल वगैरह करते हुए फिर ये वाला नाम शो करेगा वो, ठीक है। तो शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम दोनों यहाँ पे देख लिया। आइकन सारे जो शो हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ना आइकन कौन से हैं, 64x64 के हैं, 192x192 और 512x512, यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ठीक है। डिस्प्ले स्टैंड अलोन होगा ये, यानी मोबाइल ऐप की सूरत में। अब डिस्प्ले के अगेंस्ट क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम देख लेंगे क्या होती हैं, ठीक है। थीम का कलर क्या होगा, यानी जिस जगह पे कोई कलर नहीं है वहाँ पे क्या कलर होगा, यानी जो बॉडी के पीछे का बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। आपने नोट किया होगा, नोट किया होगा फिर यहाँ पे तो इन्होंने उसको ब्लैक रखा हुआ है, तो नोट कुछ भी करने के लिए फ़िलहाल नहीं है। और तो उसको ब्लैक, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ ब्लैक होगा एक्चुअली। लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज करके अपनी थीम के हिसाब से कर सकता हूँ, कि अगर जैसे जहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, कोई कलर नहीं है, तो ये थीम का कलर आ जाएगा। अच्छा, और तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है, सिर्फ इन्होंने मैनिफेस्ट की फ़ाइल बनाई हुई है, सर्विस वर्कर की फ़ाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। सर्विस वर्कर की फ़ाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, सिर्फ मैनिफेस्ट ऐड करने से आपने देखा वो इंस्टॉल का बटन तो आने लगी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मैनिफेस्ट है और जो है ना वो काम कर रहा है। सर्विस वर्कर तो होना चाहिए था यहाँ पे। वेल अच्छा, ये वो लोगो है, सही है, जिसका नीचे यहाँ बात की हुई है अंदर इन्होंने, लोगो 512, लोगो 512, ठीक है, लोगो 192, ये दोनों यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये पूरी मैनिफेस्ट फाइल हमने बनानी है खुद की अपने हाथ से। इन्होंने लोगो के तीन साइज़ लगाए हुए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हमें तीन से ज़्यादा चाहिए होते हैं एक्चुअली ना, स्टैंडर्ड जो है वो तीन से ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं। तो इसके लिए ना एक छोटा सा टूल है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट PWA बिल्डर, सही है, माइक्रोसॉफ्ट का PWA बिल्डर आ गया ये। अच्छा, ये है भाई PWA बिल्डर है। यहाँ पे ये कह रहा है कि यार आपकी जो बनी हुई साइट है ना, उसका जो पब्लिक URL है क्लाउड, भाई हमारा ये SMIT डेमो और सिविल टेम्पो वाला मैंने ये दे दिया, और स्टार्ट का बटन मैंने दबाया। स्टार्ट का बटन दबाने पे ये उसको एनालाइज करता है कि ये PWA बनी हुई है, आया बनी हुई है तो इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर। तो इसने मुझे ना ये रिपोर्ट तैयार करके दे दी। इसने बोला भाई ये आइकन लगा हुआ है, नाम इसका ये रिएक्ट ऐप है, और डिस्क्रिप्शन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और जो है ना क्या है जी ये 16 इसके अंदर को प्रॉब्लम्स इसको नज़र आई। इसने बोला भाई सर्विस वर्कर है ही नहीं, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी अ स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन नहीं है, ID मस्ट बी अ स्ट्रिंग, लाउंज हैंडल इसके अंदर नहीं है कह रहा है, ठीक है, ओरिएंटेशन मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, ओरिएंटेशन क्या होगी, जाहिर है मोबाइल में चलेगा तो खड़े स्क्रीन पे और लेटी हुई स्क्रीन पे क्या सीन है, सही है, क्योंकि आईफोन के अंदर ये कंट्रोल होता है हमारे पास कि हर, मतलब जैसे एंड्रॉयड में तो ये होता है कि कोई भी ऐप खुली हुई हो, जब आप मूव करते हैं ओरिएंटेशन, तो पूरी फ़ोन की ओरिएंटेशन घूम जाती है, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता, आईफोन में सिर्फ ऐप की ओरिएंटेशन घूमती है, फ़ोन सीधा ही रहता है, ठीक है। अगर आई एम नॉट श्योर कि इसको मुझे डेमो कर देना चाहिए थोड़ा, कौन सी ऐप खोलूँ मैं जिसमें ये, जैसे गूगल क्रोम खोल लेता हूँ मैं। अच्छा, तो गूगल क्रोम खोल के अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, तो ये देखें गूगल क्रोम क्या हो गया, पूरा का पूरा मूव करके लैंडस्केप में चला गया। अच्छा, लेकिन जब मैं इसको ख़त्म करूँगा ना, तो फ़ोन मेरा सीधा ही है, फ़ोन नहीं टेढ़ा होता, फ़ोन सीधा रहता है, ऐप सिर्फ घूमती है। अच्छा, कुछ ऐप्स जो होती हैं वो नहीं घूमती, सही है, जैसे मिसाल के तौर पर यूट्यूब है, ये नहीं घूमता, ये इसको आप कुछ भी कर लें ये सीधा ही रहेगा, ठीक है, ये नहीं घूमेगा, ठीक है। इसी तरह व्हाट्सएप है, ये भी नहीं घूमता, हाँ नहीं, व्हाट्सएप घूम रहा है, व्हाट्सएप घूम रहा है। तो कुछ ऐप्स जो होती हैं वो घूमती हैं, कुछ नहीं घूमती। इसी तरीके से हाँ, यूट्यूब जैसे सीधी है ना, यहाँ पे इधर तो नहीं घूमता ये, लेकिन क्या होता है ये, वंस मैं कोई वीडियो उस पर प्ले कर दूँ ना अगर, तो फिर ये घूम जाता है, जैसे मैंने एक वीडियो ये प्ले कर दी, अब मैं जब इसको ऐसे करूँगा ना तो ये घूम जाएगा, लेकिन ये ऐप के अंदर कंट्रोल है, ये सिर्फ इतनी वीडियो घूमी है, बाकी पूरी ऐप नहीं घूमी, तो मतलब ये वाला कंट्रोल होता है। तो हमारी ऐप के अंदर भी ये पूछ रहा है कि यार ओरिएंटेशन जो है ना वो क्या होगी आपकी, एनी होगी, नेचुरल होगी, लैंडस्केप होगी, लैंडस्केप प्राइमरी होगी या लैंडस्केप सेकेंडरी होगी, या पोर्ट्रेट फिक्स होगी, पोर्ट्रेट पे वो हिलेगा ही नहीं, पोर्ट्रेट पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है, पोर्ट्रेट सेकेंडरी ऐसे करके। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें से कोई एक चूज़ करो, ये मुझे कहाँ लगाना होगा, उसी मैनिफेस्ट की फ़ाइल में लगाना होगा। इसी तरह ये काफ़ी सारी और भी चीज़ें मुझे ये बता रहा है।
अच्छा फिर ये कह रहा है कि ये सारे जो एक्शन वाले आइटम्स हैं, फिर ये कह रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्ट की फाइल है ना, पी डब्ल्यू ए बिल्डर हैज़ एनालाइज्ड योर वेब मैनिफेस्ट फाइल, योर मैनिफेस्ट रेडी फॉर पैकेजिंग, वी आइडेंटिफाइड रिकमेंडेशन ऑप्शन दिस दिस दिस, यू कैन इंक्लूड, कह रहा है कि भाई आपकी जो मैनिफेस्ट फाइल है ना उसमें 29 चीज़ें टोटल जो होनी चाहिए उसमें से सिर्फ 8 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करने कह रहा है और ये ऊपर एक्शन में इसने वही सारी चीज़ें ऑब्वियसली बताई हैं। अच्छा फिर कह रहा है कि सर्विस वर्कर जो है वो ज़ीरो है, यानी कि फाइल ही नहीं है जब, तो फिर उसमें मेंशन क्या करी है? तो इसने कहा भाई सर्विस वर्कर है ही नहीं, तो जनरेट सर्विस वर्कर का इसने ऑप्शन दे दिया, ठीक है भाई, कि जनरेट सर्विस वर्कर हो गया। अच्छा सर्विस वर्कर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशन, पीरियोडिक सिंक, बैकग्राउंड सिंक, ये इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम पहले सर्विस वर्कर को छोड़ते हैं। अच्छा फिर ऐप कैपेबिलिटीज़ जो हैं आपके पास, यानी पी डब्ल्यू ए के पास तुम कह रहे थे ना कि जो नेटिव कैपेबिलिटी आ जाती हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, वो ये सारी नेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं जो आ जाती हैं। फाइल हैंडलर्स आपको मिल जाते हैं, इस पर इन्होंने शायद ये आर्टिकल्स पूरे लिखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से जो है ना ये कह रहा है कि भाई होने लग जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ऐप कैपेबिलिटी की डॉक्यूमेंटेशन पूरी आप देख लो कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास फिलहाल एक ही फाइल है मैनिफेस्ट की, सर्विस वर्कर हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम एडिट योर मैनिफेस्ट करके ना मैं इस बटन को दबा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे मोर डिटेल्स है ना, ये बता भी रहा है कि जो 29 है ना उसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। सही है, मैंने कहा यार एडिट योर मैनिफेस्ट, और एडिट योर मैनिफेस्ट करने के बाद इसने मुझे क्या दे दिया, ये थोड़ा सा ऑप्शन सा दे दिया। इसमें सबसे पहले तो ये नाम बता रहा है, जैसे मेरे पास जो मैनिफेस्ट में लिखा हुआ था ना शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम, वो दोनों इसने बता दिया। अच्छा कौन सा नाम रखूँ यार मैं अपनी ऐप का, मेरा ख्याल है कि हम सोशल पोस्टिंग ऐप रख देते हैं। सोशल पोस्टिंग, ठीक है, और लंबा नाम रख देते हैं कि यार SMIT सोशल पोस्टिंग डेमो ऐप। सही है, ये मैंने इसका लंबा सा नाम रख दिया। अच्छा आईडी इसकी कोई यूनिक आइडेंटिफायर कोई है? अच्छा आईडी के अंदर हम क्या कर देते हैं, कंपनी का नाम डाल देते हैं। सही है, आमतौर पे इसमें प्रैक्टिस ही होती है, मैं लिख देता हूँ com.sysbor कंपनी का नाम, उसके बाद डॉट करके प्रोडक्ट का नाम। तो मैं कह देता हूँ कि भाई सोशल _ पोस्टिंग। सही है, तो ऐसे करके मैं इसके अंदर एक आईडी दे देता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, मेरी मर्ज़ी होती है, ठीक है। इससे मैं इस ऐप को आइडेंटिफाई करता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इस नाम से फोल्डर बनता है या नहीं। हाँ वेल यहाँ पे आईडी में आप अगर मैं नंबर भी लिख दूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा उसको, ठीक है। असल में ये पैकेज नेम होता है, अभी पैकेज नेम आ गई ये और अलग से पूछेगा, वो जो तुम कह रहे हो ना वो पैकेज नेम होता है, वो शायद वो अलग से पूछेगा ये अभी। अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, कि सोशल सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू शेयर स्टोरीज एंड फोटोज, दैट्स इट। अच्छा बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ कि यार कुछ इसको पर्सनैलिटी दे देते हैं, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ना हल्का सा ये ब्लू होगा इसका, ठीक है। अच्छा ऐसा करने से क्या होगा कि जहाँ पे मैंने कोई कलर नहीं दिया हुआ ना बैकग्राउंड पे, कोई कलर जहाँ पे नहीं दिया हुआ वहाँ पे ये कलर दिखेगा। सॉरी कौन सी इमेज, अभी तो हम चेंज करेंगे ना यार उसको, हर चीज़ हम उनकी थोड़ी यूज़ करेंगे, हम तो हर चीज़ अपनी लगाएंगे। अच्छा थीम का कलर मैंने कहा कि यार है ब्लू, ठीक है, थीम का कलर मैंने कहा कि ये कलर है थीम का, तो मैंने दोनों कलर सेलेक्ट कर लिए जल्दी जल्दी से। अच्छा और देखो ये अब ना एक सेक्शन हो गया, अब इसके बाद आ जाओ सेटिंग के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट URL, स्कोप, ओरिएंटेशन, लैंग्वेज, ये बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको सेट करेंगे होपफुली,
हमारे पास हैं तकरीबन एक घंटा पूरा है हमारे पास. द यू आर एल दैट लोड वेन योर पी डब्ल्यू ए स्टार्ट, ठीक है. ये आ जाओ पूरा का पूरा जो है ना, ये वाला यू आर एल यहाँ पर मैं ला के लिख देता हूँ. सही है, ये मैंने यू आर एल लिख दिया पूरा का पूरा. ब्राउज़र की लेयर के ऊपर ही चल रही होती है. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डॉट लिख दूँ ना तो उसका भी वही मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि यही वाला फोल्डर. सही है, क्योंकि ये एक्चुअली उस वेबसाइट के अंदर है ना ये मेरी फाइल, तो मैं पूरा यू आर एल लिख सकता हूँ, जस्ट डॉट लिख दूँ, एक ही बात है. अच्छा, स्कोप क्या चीज़ है भैया? पी डब्ल्यू ए स्कोप इज़ ऑप्शनल मेम्बर दैट डिफाइन विच यू आर एल आर विद इन द नेविगेशन स्कोप of your application. If user navigate outside of the app scope, they will be navigated to a normal browser window. अच्छा, कह रहे हैं कि अगर आप कुछ स्क्रीन्स फिक्स करना चाहते हैं कि यही पी डब्ल्यू ए पे चले और इनके अलावा अगर किसी पे जाता है बंदा तो ब्राउज़र पे चला जाए, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं. हम चाहते हैं पूरी की पूरी ऐप ही हमारी एज अ मोबाइल ऐप चले. अच्छा, लैंग्वेज मैंने कह दिया कि यार ये इंग्लिश के अंदर है, ठीक है. अच्छा, इंग्लिश के अंदर लिखने से फ़र्क ये पड़ेगा क्योंकि जो मोबाइल ऐप होती है मेरे पास उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, ज़ाहिर है, ठीक है. जब उसके अंदर कीबोर्ड खुलता है तो उसको पता लगता है कि अच्छा ये कौन सी लैंग्वेज में है. इसी तरह प्ले स्टोर जो होता है उसमें भी बंदा लैंग्वेज सेलेक्ट करता है कि जी मुझे सिर्फ उर्दू वाली ऐप दिखाएं कि सिर्फ इंग्लिश वाली. तो उन सारी जगहों पर ना ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं यूज़ आ रही होती है. तो अगर इसको इंग्लिश नहीं लिखता हूँ मैं, इसको अनडिफाइन लिखता हूँ, ठीक है, तो अनडिफाइन करने पर हो सकता है ये इंग्लिश वाले को भी दिखाए, उर्दू वाले को भी दिखाए, सबको दिखाए. तो ये एक मिस इनकन्वीनियंस हो सकता है सामने वाले बंदे के लिए कि उसने फ़िल्टर में इंग्लिश लगाया हुआ लेकिन मेरी ऐप भी शो हो रही है. तो इसलिए लैंग्वेज यहाँ पे जस्ट अ मेटा डाटा जो है वो लगा हुआ है. अच्छा, ओरिएंटेशन मैंने कहा भाई मेरी ऐप ना सीधी चलेगी पोर्ट्रेट पे, बस मेरी ऐप हिलनी नहीं चाहिए. अब ये नेचुरल क्या करता है, लैंडस्केप क्या करता है, ये सारा यहाँ पे ना इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ये लर्न मोर के ऊपर जाके मैं यहाँ पे जाके इस डॉक्यूमेंटेशन में ना देख सकता हूँ कि जी ये मेरे पास हैं. और भाई ये क्या बकवास है, इन्होंने लिखा ही नहीं. अच्छा, कोई मसला नहीं है, चैट जीपीटी तो यही है ना. चैट जीपीटी के पास जाऊंगा मैं, बोलूंगा कि यार एक्सप्लेन करो सारे को. एक्सप्लेन ईच ओरिएंटेशन ब्रीफली. सही है, अब ये सबको जो है ना ब्रीफ करेगा. अच्छा, नेचुरल वाला कह रहा है नेचुरल ओरिएंटेशन ऑफ द डिवाइस टिपिकली द वे डिवाइस इज हेल्ड इन डिफ़ॉल्ट स्टेट. कह रहा है कि जिसमें डिफ़ॉल्ट है उसी में रखेगा ये, ठीक है. पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट ही है. पोर्ट्रेट प्राइमरी क्या करेगा, द एप्लीकेशन इज डिज़ाइंड फॉर पोर्ट्रेट मोड एंड इट शुड बी डिस्प्लेड इन प्राइमरी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन. दिस इज़ यूजुअली डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन. तो सिर्फ पोर्ट्रेट में और इसमें क्या फ़र्क हुआ, द एप्लीकेशन इज डिज़ाइंड टू बी डिस्प्ले व्हेन द हाइट इज़ ग्रेटर देन विड्थ. वेल, अभी मैं उसको फिक्स करना चाहता हूँ पोर्ट्रेट पे. अब ये सारी पॉसिबिलिटी है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस आप कोई भी इस पे एक अप्लाई करेंगे तो वो चल जाएगा. अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो हुआ हुआ है वो कौन सा, वो पोर्ट्रेट तो नहीं हुआ हुआ था, एनी हुआ हुआ था शायद, है ना. मैंने उसको पोर्ट्रेट कर दिया. अच्छा, अब डिस्प्ले के अंदर ना मेरे पास क्या है, एक फुल स्क्रीन है, स्टैंड अलोन है, मिनिमल यूआई और ब्राउज़र है. अगर मैं ब्राउज़र करूँगा ना तो ब्राउज़र पे क्या होगा, चलो इस पे भी जाके देखते हैं ना, डॉक्यूमेंट पे इन्होंने कुछ लिखा है इसके बारे में. अगर इसको मैं ब्राउज़र कर दूंगा ना तो वो एज अ मोबाइल ऐप तो खुलेगा वो, लेकिन मोबाइल ऐप के अंदर पूरा ब्राउज़र दिखाएगा, राइट. मोबाइल ऐप के अंदर पूरा ब्राउज़र दिखाएगा वो. इन्होंने इसके बारे में भी कुछ लिखा नहीं है. मैंने कहा यार पी डब्ल्यू ए डिस्प्ले ऑप्शंस और मैं जाके इमेज पे जाऊंगा ना तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा. ये देखो, ये चार ऑप्शंस हैं. ये है फुल स्क्रीन, ये है स्टैंड अलोन, ये है मिनिमल यूआई और ये है ब्राउज़र. ब्राउज़र में ये एज अ ऐप खुला हुआ है लेकिन पूरी ब्राउज़र की ये स्क्रीन दिखा रहा है, ठीक है. तो हमने अभी जो किया हुआ है वो ये वाला किया हुआ है. मोबाइल ऐप आमतौर पर स्टैंड अलोन होती है, ठीक है. स्टैंड अलोन के भी अलावा मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा तो क्या होगा, नीचे के वो बटन शटन भी गायब हो जाएंगे, ठीक है. अच्छा, बटन वो कैसे आएंगे, जब मैं नीचे से हल्का सा स्वाइप अप करूंगा तो वो शो हो जाएंगे. कभी कुछ ऐप में होता है ऐसा, देखा होगा आप लोगों ने. तो मैं फ़िलहाल उसको स्टैंड अलोन रखना चाह रहा हूँ, स्टैंड अलोन रख देता हूँ मैं.
स्टैंड अलोन ही हुआ है वो। अच्छा, डिस्प्ले ओवर राइड टू डिटरमाइन द प्रेफर्ड डिस्प्ले मोड, क्लिक टू डिस्प्ले ओवर राइड। क्या अच्छा, डिस्प्ले ओवरराइड इज सिमिलर टू द डिस्प्ले मेंबर बट अलाउ यू टू सेलेक्ट अ फॉल बैक ऑर्डर फॉर डिफरेंट डिस्प्ले मोड्स। इन एडिशन फॉर डिस्प्ले वैल्यू, डिस्प्ले ओवरराइड कैन टेक अ वैल्यू ऑफ विंडो कंट्रोल्स ओवरले। विंडो कंट्रोल्स ओवरले इज अ डेस्कटॉप ओनली मोड एंड दैट। ठीक है, अच्छा मुझे फ़िलहाल कोई अच्छा डेस्कटॉप कंट्रोल मैंने लगा दिया, ब्राउज़र नहीं लगाता मैं, और मैं स्टैंड अलोन लगा देता हूँ। कह रहा है कि यार जैसे स्टैंड अलोन आपने सेलेक्ट किया ना, अब स्टैंड अलोन नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो फॉल बैक में वो किधर आगे गिरे। तो मैंने कहा कि यार विंडो कंट्रोल्ड ओवरले पे आगे गिरे। ठीक है, विंडो कंट्रोल्ड ओवरले एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर चलती है, मोबाइल के ऊपर ही इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, और चलो बस ये ख़त्म हो गया ये सेक्शन, अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये इसने क्या बोला है भाई, IARC रेटिंग आईडी। IARC रेटिंग आईडी ऑप्शनल मेंबर ऑफ द स्पेसिफिक सूटेबल फॉर एज रेंज। जैसे होता है ना PG-13 होता है, और क्या होता है 18 रेटेड, आर रेटेड होता है। ठीक है, फिर होता है RC होता है, पता नहीं क्या होता है। तो वो कह रहा है कि वो वाली रेटिंग इसकी क्या है, तो मैं इससे बोल देता हूँ कि यार रेटिंग आईडी लिस्ट बना दे। इसको मैं वैसे ही बोलता हूँ कि यार व्हाट इज आई एम नॉट अवेयर ऑफ ए स्पेसिफिक रेटिंग। However, IRC is typically referred to International Agency for Research on Cancer Agency. अच्छा, ये अच्छा ये सही बताया था इसने पहले, इसने जो ये बताया था ना ये सही बताया था कि भाई इसमें टोबैको वगैरह को तो नहीं प्रोमोट किया जा रहा, तो ये वो वाला माल है। ठीक है, ग्रुप वन में क्या है भाई कि जो है ना क्या है ये, हाँ ये चीज़ें तो इसके अंदर नहीं है। तो ये ग्रुप वन है, 2A है, 2B है, ग्रुप 3 है। ठीक है, ग्रुप 4 और ग्रुप 4 इसने कर दिया, हाँ बस वही वाला माल है ये। अब इसको इसमें लिखेंगे कैसे, 4 लिखूँगा मैं, नहीं मतलब नॉट क्रायोजेनिक है ना यार ये, मैं ये बताऊँगा ना 4 वाला कि भाई प्रॉबली नॉट क्रायो क्या है, कार्सिनोजेनिक ह्यूमन। वेल तो ये क्या है जी, ऑप्शनल मेंबर है, चलो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉबली यार जब बड़ी कंपनीज ऐप बनाती है ना तो इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं। अब मैं इसमें डबल माइंडेड ये हो रहा हूँ कि आया कि ये कोई पहले से फिक्स लिस्ट है, जैसे PG-13 वगैरह वो तो फिक्स है ना, तो उसमें से कोई एक लिखूँगा मैं, या सर्टिफिकेट कहीं से गेट करके फिर वो आईडी लिखनी पड़ेगी, यहाँ से कहीं से सर्टिफिकेट मिलेगा इस ऐप का, मे बी आई एम नॉट श्योर। प्रेफर्ड रिलेटेड एप्लीकेशन, ठीक है, इज एन ऑप्शनल मेंबर स्पेसिफाई वेदर और नॉट द रिलेटेड एप्लीकेशन शुड बी प्रेफर्ड टू दिस वन। दिस मेंबर डिफॉल्ट्स टू फॉल्स, इट्स सेट टू ट्रू, ब्राउजर मे रेकमेंड अल्टरनेट एप्लीकेशन टू द यूज़र। ठीक है, कह रहा है भाई इसको आप अगर लगा दोगे तो इसके जैसी दूसरी एप्लीकेशन भी रेकमेंड करेगा, पता नहीं कैसे करेगा, मैंने तो कभी नहीं देखा। रिलेटेड एप्लीकेशन, अच्छा रिलेटेड एप्लीकेशन की लिस्ट भी आप ही बताओगे कि इसके से मिलती जुलती कौन सी ऐप्स हैं। अबे भाई इतना टाइम नहीं है अपने को, हट जाए यहाँ से। शॉर्टकट, अच्छा लिंक्स टू की टास्क टू द पेज। अच्छा ये वो वाले शॉर्टकट्स हैं कि इसमें आप क्या कर देते हो, शॉर्टकट का एक URL बता दोगे आप कि जब ये वाला URL हिट हो ना किसी दूसरी ऐप से तो वो इस ऐप के अंदर ला के आपको, इसको डीप लिंक्स भी कहते हैं। तो ये डीप लिंक आप 3, 4, 5 आप आराम से बना सकते हो, राइट। तो हमारे पास ऐसा कोई पेज है जिसका हम शॉर्टकट बना दें, अबाउट का पेज एक है हमारा, अबाउट का पेज तो चल ही नहीं रहा हमारा, चैट भी नहीं चल रहा। ये क्या है यार, सारे पेज ही चलना बंद हो गए क्या, प्रोफाइल का पेज तो चल रहा था हमारा।
अबे भाई वो स्पेस आ गया उसके अंदर यार, हर चीज़ में स्पेस आ गया यार, अल्लाह की कसम। चैट में भी आया हुआ है और अबाउट में भी आया हुआ है। ये तो प्रोग्रामेटिकली जाता है, चलो ये है। वेल इसके ज़रिए क्या होगा, शॉर्टकट्स बन जाएंगे, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ अभी है नहीं जिसका हम शॉर्टकट बना सकें, तो फिलहाल हम इसको स्किप कर लेते हैं। प्रोटोकॉल हैंडलर्स कौन से होंगे हमारे? प्रोटोकॉल हैंडलर क्या है भाई, ये पता नहीं क्या है। अच्छा कैटेगरी क्या है जी हमारी? हमारी कैटेगरी है लाइफ स्टाइल तो नहीं है, फोटो, हाँ फोटो शेयर होता है, सोशल है, सही है, और म्यूज़िक व्यूज़िक तो नहीं है, न्यूज़ भी नहीं है, पर्सनलाइज, हाँ एंटरटेनमेंट कहाँ है, फोर्थ, ये आ गया। चलो भाई तीन कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, गुड इनफ है। एज साइड पैनल, ये क्या चीज़ है भाई? इंडिकेट वेदर योर PWA सपोर्ट द साइड पैनल इन माइक्रोसॉफ्ट एज। ओ अच्छा, प्रेफर्ड विर्थ, क्या प्रेफर्ड विर्थ डाली जाए? अबे ये होता क्या है, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। PWA सपोर्ट द साइड पैनल, अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़, ये जो मुन्ना आ रहा है ना साइड एज, अबे भाई इधर भी है उधर भी है जी, क्या कर रहा है ये? नहीं मैंने लिखा है ना साइड पैनल इन माइक्रोसॉफ्ट एज, हाँ PWA भी लिख देता हूँ। इसी तरह खुल रहा है भाई ये तो, अभी तो बड़ा ख़तरनाक खुल रहा है, इतना बड़ा साइड पैनल खोलेगा ये। अच्छा अच्छा नहीं, ये मेरी ऐप को साइड वाले में खोल देगा, ये मेरी ऐप को साइड वाले में खोल देगा, लेकिन मेरी ऐप साइड वाले में खुलने की नौबत कैसे आएगी, कैसे खुलेगी मेरी ऐप? मतलब क्या ऐसा होगा कि मेरी ऐप साइड पे आ जाएगी? तो ब्राउज़र में सर क्या बीच से दो हो जाता है ब्राउज़र, ये यहाँ पे खुलेगा, मतलब कैसे ऐसी नौबत आएगी? नहीं पता नहीं इसने दिया हुआ है, चलो मैं कह देता हूँ कि यार 300 सही है। लर्न मोर करके ज़रा देख लेते हैं, ये पिक्सल में चाहिए क्या चाहिए इसको, नंबर पिक्सल में आई थिंक चाहिए। अबे इसमें वो सेक्शन ही नहीं रखा, चाहिए रखा है प्रेफर्ड विर्थ 400 रखा है ना, चलो हम भी 400 रख देते हैं। अच्छा अगले पे चलते हैं जी, आइकन्स। अब आइकन्स का सीन ये है कि आइकन हमें क्या करवाने पड़ेंगे, इसको अपलोड जैसे ही मैं करूँगा ना तो ये मुझे आइकन बना के सारे दे देगा, सही है। तो आज वो एक अच्छा सा आइकन अपलोड करते हैं। अब हमारी सोशल ऐप का आइकन कैसा होना चाहिए? सही है, आइकन को इंटरनेट से छाप लेते हैं। भाई ये कैसे आइकन आ गए? नहीं नहीं अपना बनाएंगे भाई, हम अपना बनाएंगे अपना, अपना बनाते हैं ना आज। नहीं नहीं अभी हम पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल बनाएंगे। अरे यार क्या करोगे इसको देख के तुम? अच्छा क्या करूँगा मैं, क्रिएट अ डिज़ाइन, सही है, और क्रिएट अ डिज़ाइन करके मैं, बल्कि यहाँ पे होगा ना लोगों कुछ बने हुए होंगे ना इनके पास,
नहीं नहीं ये रहा इतना अच्छा बेहतरीन लोगों बना के रखे हुए इन्होंने। कौन से आई से? लियोनार्डो? नहीं ये क्या लोगो बना के देगा, ये क्या करेगा? चलो देखते हैं अभी। सब कुछ बोला ना तुमने, लोगों की बाँछें खुल गई यार, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। अबे क्या पूछ रहा है ये भाई, अबे हट जा मैं नहीं बताऊं। अच्छा ये वाला ये पूछ रहा है। अबे भाई मलिक के सिंगर अवेलेबल मिलता है हर जगह, अगर तुम लोगों में से किसी ने कोई मस्ती ना की हो पहले। अबे ये तो आगे ही नहीं जा रहा है यार। फैशन आर्ट का है आर्ट ये। अरे बढ़ आगे बढ़ भाई, डेवलपर आगे जाओ। यार असल में हमें लोगो चाहिए फ्लैट, ये आई थिंक ये फ्लैट नहीं दे रहा, ये इस तरह के दे रहा है बना के। अच्छा कैसे बनाऊंगा अब मैं इसमें लोगो? प्रॉम्प्ट कहाँ जाके दूंगा इसमें मैं? ए आई इमेज जनरेटर। अरे हट जाओ। ये वाला मेक अ लोगो फॉर सोशल पोस्टिंग ऐप दैट इज फ्लैट कलर्स एंड विथ इनिशियल्स ऑफ एम। चलो देखते हैं क्या तीर मारता है। अच्छा यहाँ पे भी ये सेटिंग मौजूद है कि किस किस तरह से चाहिए। ये अभी 1024x768 देगा मुझे ये, और यहाँ पे डायनेमिक सिनेमैटिक एनिमी। यार ये वाला मुझे बेहतर लग रहा है थोड़ा, ये वाला है? अल्केमी क्रिस्प। ये आप स्केल हो जाएगा इससे, बनाया तो उसने अच्छा यार। हाँ नहीं अच्छा बनाया इसने। अच्छा अब इस इमेज को कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड कैसे होगी ये? हाँ ये आ गया बटन। क्या बात है जी, क्या बात है जी, वेल डन वेल डन, सही है भाई। अच्छा अब एक चुन्ना मुन्ना सा काम ये करना है हमें, इसको क्रॉप करना है, इसको क्रॉप करके करना है स्क्वायर हमें। अबे ये क्या है बकवास, इसमें वही ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ इन्होंने स्क्वायर क्रॉप करने का। शिफ्ट दबा के हो जाता है? हाँ यार शिफ्ट दबा के हो रहा है। सही हो गया भाई, जबरदस्त हो गया क्रॉप। ये हमारा लोगो बन के हो गया तैयार। कंट्रोल एस सेव और कट। अब ये लोगो हम देंगे उधर, किधर देंगे जाके भला? इस PWA वाले को देंगे। सब हमने बंद कर दिया, हमने कहा भाई अपलोड ये होगा हमारा लोगो फुल ज़बरदस्त और प्रोफेशनल और बेहतरीन। अच्छा अब ये लोगो जैसे ही मैंने अपलोड किया, भाई बच्चों प्यारे गौर से देखो यहाँ पे,
यहाँ पे जैसे ही मैंने ये फोल्ड लोगो अपलोड किया, इसने बोला भाई ये तो लोगो आ गया, ठीक हो गया। विंडो 11, एंड्रॉयड और iOS तीनों के लिए मैं जनरेट कर दूँ? मैंने कहा हाँ, जनरेट ज़िप करूँगा इस इमेज को लेके, वो हर साइज़ में काटेगा, छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा जितना भी होते हैं सारे, उसमें सब में काटेगा वो और ला के मुझे दे देगा। सही है, अब ये जनरेट हो रहा है। जैसे ही ये जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी, मैं इसका डाउनलोड करूँगा ना ज़िप, उसमें दुनिया के जो हर साइज़ पॉसिबल है ना, सारे के सारे, वो सब उसमें होंगे। सही है जी, ये ज़िप डाउनलोड करना इसने शुरू कर दिया। आ जाओ ज़रा ज़िप में देखते हैं क्या बना के दिया इसने। हो रहा है डाउनलोड अभी। सही है, हो गया डाउनलोड। ऐप इमेजेस डॉट ज़िप। ये देखो, ये ऐप इमेजेस में क्या लेकर आया मेरे लिए, एंड्रॉयड, ये सारे साइजेस आ गए। सही है, 192, 512। ये देखो, चार छोटे से बड़े तक चारों साइज आ गए। ठीक है, आइकन्स डॉट जेसन में पूरे इसके नाम इसने सजा दिए। iOS के अंदर देखो, iOS के अंदर ये सारे साइजेस चाहिए होते हैं। ठीक है, 16x16, 20x20। ठीक है, ये सारे साइजेस आपके आ गए यहाँ पे। ठीक है जी, ये आ गया 60x60, 64x64, 72x72। इसी तरह जाके ये 1024 तक का इसको साइज़ मिला हुआ है। ठीक है, अभी 1024 का साइज़ पता नहीं किधर लगाएगा, अल्लाह ही जाने, लेकिन ले रहा है भाई ये। अच्छा, इसी तरह विंडोज़ 11 के अंदर आपको ये वाले सारे साइज़ चाहिए होते हैं। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन चाहिए होता है इसको, स्प्लैश स्क्रीन बनाई है इसने यूं पर लैंडस्केप के ऊपर। ये कितने की बनाई है इसने? ये बनाई है इसने 600 पिक्सल की। ठीक है, 700, 900, 2048, इतने बड़े साइज़ की स्प्लैश स्क्रीन बनाई है इसने। ठीक है, अच्छा मैं ये स्प्लैश स्क्रीन चेंज भी कर सकता हूँ। मैं स्प्लैश स्क्रीन पे को बिल्कुल ही दूसरी फ़ोटो लगा दूँ। ठीक है, ये छोटे से लेके बड़े तक सारे साइजेस इमेज के ये जनरेट हो गए। अब ये अगर मैं हाथ से जनरेट करने बैठता या मैं ये फ़ोटोशॉप से जनरेट करने बैठता, मुझे बहुत टाइम लग जाना था। सही है, तो ये टूल हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से क्या हो गई, हमारी ये बचत हो गई। अच्छा, ये जितने भी इमेजेस मेरे पास हैं, ये वाले, ये जितने भी सारे के सारे, इन सबको मैं क्या कर लूँगा, इन सबको मैं अपने उसमें डालूँगा और मैनिफेस्ट के अंदर इसका मैं रेफरेंस बताऊँगा। राइट, अच्छा, तो मैनिफेस्ट के अंदर इसका रेफरेंस बता दूँगा मैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने क्या करवा लिया, जनरेट करवा लिया, जो मेरे मैनिफेस्ट में था वो यहाँ पे दिख रहा है और नीचे मैंने ये जनरेट करवा लिया। अगले पे चलते हैं जी, स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो है ये मैंने SMIT डेमो यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है URL। ठीक है, वो दिख रहा है इसको यहाँ पे। अच्छा, मैं जनरेट स्क्रीनशॉट का बटन दबाऊंगा ना जब, तो वो इसको ऑटोमेटिकली विजिट करेगा और जाके स्क्रीनशॉट लेके वापस आएगा। लेकिन ये आई एम नॉट श्योर कि डिसेबल क्यों आ रहा है, डिसेबल पता नहीं क्यों आ रहा है। जनरेट स्क्रीनशॉट, ये क्या करेगा, उसका जाके स्क्रीनशॉट लेगा, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, टैबलेट पे कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, ये स्क्रीनशॉट ले आया। देख रहे हो, लेवल चेक कर रहे हो उसका। अच्छा, अब ये स्क्रीनशॉट डाउनलोड कैसे होगा, ये नहीं बताया इसने। ऐड अ URL। अबे, वो लॉगिन के अलावा तो किसी का बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उसको पता कैसे लगेगा कि लॉगिन हो गया ये। चलो छोड़ो, खैर एक ही काफ़ी है। अभी ये स्क्रीनशॉट डाउनलोड कैसे होगा, ये तो नहीं बताया इन्होंने कहीं। वेल, अगला सेक्शन इसका है जी शेयर टारगेट। शेयर टारगेट क्या है जी मेरे पास, व्हाट इज़ शेयर टारगेट? When user select your app in the system's share dialog, your PWA launched and HTTP request is made. अच्छा, ये कह रहा है कि यार आपके पास जो है ना, अगर यूज़र जैसे WhatsApp पे जाता है और कोई मैसेज पे क्लिक करके रखता है और शेयर का बटन दबाता है, तो एक शेयर का एक पूरा मेन्यू खुलता है ना, तो उस मेन्यू में क्या आपकी ऐप शो होनी चाहिए? और अगर आपकी ऐप शो होती है उस मेन्यू में, तो आपके जब उस पर क्लिक करेगा वो, यानी कोई उसने इमेज सेलेक्ट की और शेयर का बटन दबा के आपकी ऐप पे क्लिक किया, तो क्या हो उसके अगेंस्ट?
तो उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए कि जी एक यूआरएल बता दो आप और एक मेथड बता दो, तो उस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट लग जाएगी और वो डेटा पूरा का पूरा उस यूआरएल के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी इस तरह की कोई चीज़ अपनी ऐप में रखी भी नहीं है। अच्छा, साथ में टाइटल टेक्स्ट और यूआरएल यहाँ पे ऐसे भी बता सकते हैं, ये क्या चीज़ है भाई। अच्छा, पैरामीटर में वो क्या जा रहा होगा। ठीक है, तो हमने फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ रखी नहीं है और इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि क्या क्या कैपेबल हो जाता है, तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, लास्ट में क्या हो गया, इसने मुझे पूरा का पूरा वो कोड बना के दे दिया जो मैंने क्या किया थ्रू आउट द कोर्स, मैंने जो सिलेक्शन किया ना उस सबका मुझे इसने क्या कर दिया, ये कोड बना के दे दिया। अच्छा, स्क्रीनशॉट्स इसने यहीं पर बेस 64 में लगा दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट को इसने बेस 64 में लगा दिया। अच्छा, मैं डाउनलोड मैनिफेस्ट का जब बटन दबाऊंगा तो ये पूरी की पूरी फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन जो मुझे मिला है यहाँ पर, मैं इस वाले को उठा के कहाँ ले जाऊँगा, मैं अपनी रिएक्ट की ऐप में ये वाला लगा दूँगा। पहले से जो मैनिफेस्ट था उसको मैं करूँगा डिलीट। ठीक है, कहाँ गया। अच्छा, ये दो जो लोगो थे इन दोनों लोगों को भी करूँगा मैं डिलीट। ठीक है, फैव, ये क्या हो रहा है, उड़ते हुए गलत जगह क्यों आ जा रहा है। फैव आइकन जो है ये वाला, इसको भी मैं करूँगा डिलीट। ठीक है, फैव आइकन डॉट आई सी ओ, ये भी मैं अपना बनाऊँगा, उस वाले का बनाऊँगा। ये फैव आइकन क्या चीज़ होती है, जब आपकी वेबसाइट खुली हुई होती है ना, ये देख रहे हो ये जो लोगो आता है ये फैव आइकन होता है। सही है, तो ये फैव आइकन भी अभी अपने वाले से हम जनरेट करते हैं, वो ला के रखेंगे यहाँ। अच्छा, तो यहाँ ला के रखते हैं हम वो मैनिफेस्ट की फ़ाइल। सबसे पहले तो ये आ गई जी मैनिफेस्ट की फ़ाइल, पब्लिक के अंदर आके ये रखा गई फाइल ये। ठीक है, अब इसके अंदर देखो शॉर्ट नेम ये आ गया और नीचे ये सारा का सारा। अच्छा, ये आइकन्स जो है ना, ये वाले, ये आइकन्स वाला जो पार्ट है ये मैंने अभी रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है आ जाओ देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा, ये ऐप इमेजेस करके ना, मैं पूरा का पूरा जो फोल्डर था इसको ऐसे उठाऊँगा और यहाँ ला के रख दूँगा, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर रख दूँगा मैं। ठीक है, और आइकन्स को ऐसे हटा के ना मैं करूँगा डॉट स्लैश, और क्या रखूँगा मैं, ऐप इमेजेस। आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसे चल जाता है, लेकिन लेट्स ट्राई। अच्छा, इसमें ये सिंगल कोटेशन नहीं होता ना, डबल कोटेशन मांग रहा है, सिंगल कोटेशन की वजह से एरर दे रहा है। ठीक है, ये असल में डॉट जेसन की जो फाइल है ना उसमें सिंगल कोटेशन काम नहीं करता, डबल कोटेशन लगाना होता है। अच्छा, अब ये मैनिफेस्ट की फाइल जो मैंने बनाई है, ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये आइकन डिटेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। इसमें इस आइकन के अगेंस्ट मैंने एक यूआरएल उसका एड्रेस दे दिया है नीचे, जो मेरे पास ये जेसन की फाइल है इसका एड्रेस दे दिया मैंने, बट मैं देखना चाहता हूँ कि ये आइकन्स डिटेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो मैंने इसको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, राइट। इंस्पेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, npm run build चलाऊँगा, पहले build चलाऊँगा, जब ही उसमें जाके ऐड होगा प्रोडक्शन वाली जो build है मेरी। ये क्या बकवास है। अच्छा, sudo नहीं लगाया तुम्हें कुछ, मैं तुम्हारा सवाल ही नहीं समझा। ऑफलाइन कैपेबिलिटी तो अभी हमने की नहीं है ना, तो ये नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जैसे इंटरनेट, जब इंटरनेट बंद होता है तो ब्राउज़र पर जो दिखता है वो दिखेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पे आके ना देखो ये, अच्छा ये तो मैंने लाइव वाला खोला हुआ है ना, मैं ये लोकल वाला खोलता हूँ। लोकल वाला कैसे खोलूँगा, लोकल होस्ट 5002। ठीक है, 5002। इंस्पेक्ट पे गया, इंस्पेक्ट पे जाके मैं जाऊँगा एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे यहाँ पे आ रहा है मैनिफेस्ट, टॉप पे देख रहे हो मैनिफेस्ट आ रहा है। अच्छा, और मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके इसको एम्प्टी कैशे हार्ड रिलोड करूँगा ताकि ये पुरानी सारी बातें भूल जाए। अच्छा, आइकन इसको नहीं मिला, बाकी सारी चीज़ें देखो नीचे आ रही हैं, सोशल पोस्टिंग ऐप ये सब कुछ इसको पता लग गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भी इसको इवन पता लग गए हैं, लेकिन आइकन्स जो है ना ये कह रहा है भाई मुझे नहीं पता लगा आइकन्स। ठीक है, अच्छा तो इस आइकन को आप कैसे लगाएं, आ जाओ पूछ लेते हैं, पूरे को कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी के पास आते हैं। सिंटैक्स नहीं पता ना हमें, एक्चुअली सिंटैक्स पूछ लेते हैं हम चैट जीपीटी से क्या है।
भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया। But it is not detecting icons that I have in another JSON file. Correct the error. सही है भाई। ये पता है क्या हुआ, ये जो base 64 की इमेज थी ना, इसकी वजह से ये पागल हो गया। बेस 64 की इमेज इतनी बड़ी लगा दी है इसने। इस बेस 64 को रिमूव करने में यार, इसको यहीं से रिमूव कर देते हैं। ये बेस 64 हमें वैसे भी नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट्स वाला फ़िलहाल के लिए मैं पूरा डब्बा ही रिमूव कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट्स अभी हमें चाहिए ही नहीं। Okay. Update the icons.json. मैंने ऐसे ही तो लिखा है। /app images /icons.json / नहीं लगाना होता शायद इसमें। अच्छा, इसको यहाँ पे देख भी लेता हूँ कि इसको यहाँ पे मैनिफेस्ट की फ़ाइल जो मिली है वो किस तरह से मिली है, कैसे दिखेगा। सोर्स में जाऊँगा मैं, स्टैटिक में जाऊँगा, और यहाँ पे कहीं आ रही होती है वो, ये रहा manifest.json। अबे ये क्या सीन है, इसको यहीं पे एरर आ रहा है। मैनिफेस्ट आइकन्स इग्नोर्ड, टाइप एरे एक्सपेक्टेड। ओह अच्छा, इसको टाइप एरे चाहिए होती है आइकन्स को। अच्छा, icons.json में, ओके गॉट इट। एक्चुअली हुआ भाई ये कि जो वहाँ से मुझे icons.json मिल रहा है ना, तो उसमें icons कुछ दूसरी तरह से हैं, और मतलब icons की की है उसमें, तो मुझे जस्ट सिंपल एरे चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, पूरा एरे बन गया ये। नीचे से भी हटा दिया इसको मैंने, सही है। तो इसको प्लेन एरे चाहिए था एक्चुअली, जब ही इसको प्रॉब्लम पड़ रही थी। और मैं अगेन इसको बिल्ड चला के, वैसे मैं बिल्ड इसलिए चला रहा था कि प्रोडक्शन वाले में दिखे, डेवलपमेंट में भी इसको डिटेक्ट करता है ये। मुझे बार बार बिल्ड चलाने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट प्रोडक्शन में देखना चाह रहा हूँ ताकि मुझे डबल ना करना पड़े। ओके अगेन एप्लीकेशन, नहीं भाई इसको अभी भी नहीं पता लग रहा। सर्वर रिस्टार्ट करने से क्या होगा? नहीं, सर्वर से नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैं ये करता हूँ कि ये icons.json के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, उसको पूरे को उठा के मैं एक्चुअल फाइल में ही ले आता हूँ। कट, एक्चुअल फाइल में ही ले आता हूँ मैं, manifest.json के अंदर ले आता हूँ मैं, राइट? क्योंकि उस तरह से नहीं हो रहा, तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सही है। अरे सही है, यहाँ पे ये सिंपल एरे आ गया। अच्छा, इस एरे के अंदर जो अभी पाथ है, window 11 /small tile, तो
तो इट मीन्स विंडो 11 का फोल्डर इसको कहाँ चाहिए, इसी लेवल पे चाहिए। तो मुझे ये एंड्रॉयड, iOS और ये विंडो 11, इन तीनों को फोल्डर को क्या करना पड़ेगा, इसको भी उसी सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, ऐसे पब्लिक वाले लेवल पे, ठीक है। और ऐप इमेजेस के नाम का फोल्डर टोटली डिलीट हो जाएगा। तो अब हम दोबारा देखते हैं, मेरे पास ये मेरी मैनिफेस्ट की फाइल है, इसमें विंडो 11 स्लैश स्मॉल टाइल ऐसे करके इमेज लगी हुई है। तो ये विंडो 11 का फोल्डर सेम लेवल के ऊपर मेरे पास मौजूद है। अब इसको हर हाल में डिटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैंने सेम फाइल कर दी है, अलग अलग फाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई एम नॉट श्योर वाई। हाँ, बिल्ड चलाना पड़ेगा। पकड़ में आ गया आइकन, सही है भाई, ये सारे आइकन शो हो गए, इसको पता लग गया कि आइकन ये वाले सारे हैं, सही है भाई। अच्छा, प्लीज़ ऐड एटलीस्ट वन स्क्रीन शॉट, ये कह रहा है। अच्छा, स्क्रीन शॉट को चलो दोबारा ऐड कर देते हैं, स्क्रीन शॉट ने क्या बिगाड़ा हमारा, स्क्रीन शॉट की वजह से। लेकिन यार वो बहुत बड़ी हो जा रही थी फाइल मेरी, छोड़ो स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट को नहीं ऐड करते। असल में स्क्रीन शॉट क्या होती है, प्ले स्टोर के लिए होती है, जब स्टोर पर पब्लिश करते हैं उसके लिए होती है। तो ये हो गया जी मेरा काम, ज़बरदस्त काम हो गया, बेहतरीन काम हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब इसको पहले तो कर देते हैं पब्लिश, ठीक है ना, पूरा जो ये PWA का जो भी मैंने इस पर काम किया ना, इसको GitHub पे पुश कर देते हैं और इसको क्लाउड पे पब्लिश कर देते हैं। क्लाउड पे पब्लिश करने के बाद मैं दोबारा से उस पर एनालिसिस चलाऊँगा PWA बिल्डर का, तो वो फिर देखते हैं एनालिसिस में क्या बताता है, ठीक है। एनालिसिस में अब ये चीज़ें सारी नहीं बताएगा वो, अब वो बोलेगा मैनिफेस्ट ऑलमोस्ट आपका क्या है, कम्प्लीट है, ठीक है। चलो स्क्रीन शॉट भी लगा ही देते हैं यार, स्क्रीन शॉट ने क्या बिगाड़ा हमारा, सही है, ये स्क्रीन शॉट्स है ना। स्क्रीन शॉट्स का ये जो पूरा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं अपने सही हो गया जी, परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, पुश करने लगा हूँ। ये एंड्रॉयड iOS विंडो 11 का फोल्डर है। अच्छा, फेव आइकन नहीं बनाया हमने, ठीक है, फेव आइकन नहीं बनाया हमने। अच्छा, फेव आइकन जो है ना, वो ये PWA बिल्डर तो मुझे नहीं दे रहा फेव आइकन बना के, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, मैं अलग से इंटरनेट पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार फेव आइकन जनरेटर, सही है। तो फेव आइकन जनरेटर में ये एक आ गया मेरे पास, फेव आइकन डॉट पता नहीं क्या। अच्छा जी, तो इसने मुझे बोला कि यार क्या कन्वर्टर जनरेटर कन्वर्टर। अच्छा, ड्रॉप योर फाइल, ड्रॉप योर फाइल। अच्छा, आ जाओ भाई, हमारी फाइल ले आते हैं, ये है हमारी वो फाइल, राइट। इसका हमने बनाना है फेव आइकन और डाउनलोड, बस इतना सिंपल था। अच्छा, फेव आइकन डॉट जिप इसने बना के दिया है मुझे, देखो अब इसके अंदर कितने फेव आइकन बना दिए इसने, फेव आइकन इसने हर तरह के बना दिए, जो जो पॉसिबल फेव आइकन होते हैं ना, वो सारे इसने बना दिए, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको भी सारे को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं। अच्छा, इसको सारे को कॉपी तो चलो मैं कर देता हूँ, पहले ये मैं साइट मैनिफेस्ट को ज़रा उठाता हूँ कि ये क्या सीन है। साइट मैनिफेस्ट को उठाता हूँ और इसमें देखता हूँ कि किस तरह से इसको अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये साइट मैनिफेस्ट आ गया, अबे यार क्या सीन है। अच्छा, एक तो होता है मैनिफेस्ट ना, वो PWA के लिए होता है, एक होता है वेब मैनिफेस्ट, जो वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है। तो नॉर्मल वेबसाइट में इन्होंने ना ये बताया हुआ है कि जी आइकन्स जो होंगे ना, वो इस तरह होंगे, एंड्रॉयड क्रोम और एंड्रॉयड भी। लेकिन आई थिंक हमें इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, सही है। इस पूरे की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इसमें से सिर्फ चाहिए फेव आइकन डॉट ICO, ये वाला चीज़ चाहिए मुझे, जो कि क्या है भाई 48x48 की है, सही है। सिर्फ फेव आइकन डॉट ICO चाहिए मुझे। अच्छा, फेव आइकन डॉट ICO के लिए मुझे कुछ भी बनाना नहीं पड़ता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये खुद ही उठा लेता है, यानी जब भी कोई वेबसाइट खुलती है ना, तो वो ICO की रिक्वेस्ट खुद ही लगा रही होती है। अच्छा, अब मैं इसको अगेन आके क्या करता हूँ, बिल्ड करता हूँ। अब तो आप देखेंगे कि जो है ना
वो आइकन ऊपर जो था ना फेव आइकन, वो चेंज हो चुका होगा खुद ही वैसे ही, मतलब ना इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गया बिल्ड, चलिए बिल कंप्लीट हो गया, ठीक है ये फेव आइकन इसने खुद ही से उठा लिया। ये फेव आइकन भी हमने लगा दिया, अब इसको हम कर देते हैं पब्लिश इतने को। तो हमारे पास अभी क्या क्या हो चुका है जी, हमारे पास जो है ना एंड्रॉइड का फोल्डर है, iOS का फोल्डर है, विंडो 11 का फोल्डर, ये तीनों आइकन के फोल्डर हैं। फाइव आइकन डॉट ICO है जो मॉडिफाई हो चुका है, मैनीफीस डॉट JSON है, और पैकेज डॉट JSON में क्या लिखा है हमने, डिप्लॉय की कमांड लिखी है एक्चुअली हमने पैकेज डॉट JSON में ना, ठीक है, जो कि पहले मौजूद नहीं थी। तो मैंने इसको बोल दिया कि जी मैनीफेस्ट फाइल एंड आइकन एडेड PWA कमिट, ठीक है, साथ में पुश भी, और बिल्ड तो मैं बना ही चुका हूँ, तो मैं इसको अब क्या कर देता हूँ, डिप्लॉय npm रन डिप्लॉय, ठीक है जी, बिल्ड कंप्लीट हो तो जैसे ही मैं इसको फिर डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है जी, npm रन डिप्लॉय। इससे क्या होगा, ये गूगल के ऊपर जो हाँ सूडो गूगल के ऊपर जो मेरी फ्रेश वेबसाइट जो है ना वो चली जाएगी, जिसमें पूरा मैनिफेस्ट वगैरह सब मौजूद होगा, और फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है, इसको इंस्टॉल वगैरह करके देखते हैं कि जी आइकन वाइकन जो थे उसने अपना इम्पैक्ट ले लिया है कि नहीं ले लिया। वो ऐप मैंने कैसे खोली थी यार, क्रोम स्लैश करके खोली थी ना, इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, सही है, और अब मैं अगेन जब इसको इंस्टॉल करूँगा, अच्छा वो प्रोडक्शन वाली मैंने बंद की हुई है, क्या था वो SMIT डेमो, ये मैंने खोल लीजिए प्रोडक्शन वाली ऐप, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ यहाँ से, एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड कर लेता हूँ ताकि पुरानी वाली बातें ये भूल जाए, इट इज़ स्टिल डिप्लॉइंग एक्चुअली, हाँ स्टिल डिप्लॉइंग ना, बेड़ा गर्क हो जाता है खांसी से यार बंदे का। हो गई जी अपडेट हमारी ऐप, सही है, क्लाउड पे भी ये सब जगह आइकन ये वाला आ गया है, एप्लीकेशन में मैं जाता हूँ तो एप्लीकेशन में ये सारे आइकन भी पकड़ में आ चुके हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी नीचे पकड़ में आ रहा होगा ऑब्वियसली, थोड़ा थोड़ा करके लोड कर रहा है इसको ये, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, स्क्रीनशॉट अभी तक इसको नहीं पता लग रहा है, बड़ी देर देर में डाउनलोड हो रहा है यार ये, सही है भाई ये हो गया। क्रोम हैज सक्सेसफुली फाउंड विंडो कंट्रोल ओवरले वैल्यू डिस्प्ले ओवरराइड इन मैनिफेस्ट फाइल, सब कुछ इसको मिल गया मैनिफेस्ट रिलेटेड। अच्छा कह रहा है कि यार रिचर PWA इंस्टॉल UI वॉन्ट बी ऑन डेस्कटॉप, है रिचर PWA इंस्टॉल UI वॉन्ट बी अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप, प्लीज ऐड एटलीस्ट वन स्क्रीनशॉट विथ फॉर्म फैक्टर सेट टू वाइड। अच्छा 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 वो कह रहा है वाइड स्क्रीन पे भी एक ज़रा बना के डालो, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा भाई अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं इंस्टॉल, ये ऊपर बटन आ रहा है इंस्टॉल का, क्लिक किया हमने, ये हमारी ऐप आ गई इंस्टॉल के लिए, इंस्टॉल का बटन दबाया, ये हमारी ऐप आ गई, ठीक है स्टैंड अलोन आ गई हमारी ऐप, ठीक है इस ऐप को अगर मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर अगर होती हैं वो नहीं रही वैसे इसमें, ठीक है जो भी पोस्ट वोस्ट लगती है इसके अंदर वो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, इसी की आइकन को ही इस पर लगाता हूँ मैं,
देखता हूँ क्या होता है। काफ़ी बड़ी इमेज है, लोड होने में टाइम लग रहा है उसको। अच्छा लोडिंग वोडिंग भी हमने कहीं नहीं दिखाई ना, हमारा भी तो एक लेवल है फिर। कितने की? अरे नहीं, 500 KB की तो इमेज यार, वो आई थिंक कोई एरर वेरर हो गया उसके अंदर। ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई है उसके अंदर। नेटवर्क की रिक्वेस्ट पे क्या हो रहा है? पोस्ट पे ये पोस्ट पे क्रॉस लग जा रहा है, क्या हो रहा है भाई इस पे? 500 इंटरनल सर्वर एरर। ऐसा तो नहीं है कहीं मेरे पास वो ही नहीं चला हुआ, मतलब प्रोडक्शन वाला URL ही नहीं सेट हुआ, वो लोकल को ही हिट करने की कोशिश कर रहा है स्टिल। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं कर तो सर्वर वाले को ही रहा। वेल पता नहीं क्यों एरर दे दिया यार, देना तो नहीं चाहिए इस पर। अच्छा रीलोड काम कर रहा है, चलो सिर्फ टेक्स्ट वाला करके देखते हैं। इस पर ही प्रॉब्लम है, ये क्या हो गया? 502 बैड गेटवे। अरे भाई बैड गेटवे इतना खतरनाक है यार। वेल अभी गूगल क्लाउड के कॉन्सोल पे जाके देखने का टाइम नहीं है, वरना जरूर देखते उसको हम कि क्या सीन है, कैसे हो गया है, क्या हो गया है। वेल चलो इसको बंद कर देते हैं अब हम। अच्छा इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, और हमारे आ जाते हैं वापस से हम। ये तो सेट हो गया था ना हमारा मामला सारा। अच्छा अब वापस से आ जाते हैं हम इसके ऊपर ना, रिपोर्ट जनरेटर जो था हमारा, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं इसको बैक करते हैं। यहाँ पे अगेन हमारा वही URL लिखते हैं हम और स्टार्ट का बटन दबाते हैं, और अब देखते हैं कि ये एनालिसिस में अब क्या क्या मज़ीद चीज़ें मिसिंग बता रहा है। ठीक है, सोशल पोस्टिंग ऐप पता लग गया इसको, और अभी भी ये स्टिल मुझे कुछ चीज़ें बता रहा है तकरीबन 10 के करीब, जो कह रहा है कि मिसिंग है। ठीक है, ऐड सर्विस वर्कर, लाउंच हैंडलर, इंश्योर यूज़र एक्शन इस पता नहीं सिंक अवे इफ़ अ नेटवर्क, डायरेक्टरी मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग URL। अब ये सारी चीज़ें L2R, LTR और RTL के राइट टू लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट टू राइट होते हैं ना, इंग्लिश की ऐप इधर से चलती है, उर्दू की इधर से चलती है, तो आपकी कौन सी है तो मुझे बताना पड़ेगा ये। ठीक है, मैनिफेस्ट में कह रहा है कि अभी भी 29 में से 15 चीज़ें हो गई हैं, 15 रहती हैं। अब क्या करूँगा मैं इनमें से एक एक को स्टडी करूँगा जाके कि भाई इनमें से एक एक का मतलब क्या है, उसके सही वाले पैरामीटर्स डिसीजन लूँगा मैं कि जी अच्छा ये रखना चाहिए मुझे इसको, और फिर उसको मैं लगा दूँगा। अच्छा अभी हमारी क्लास का टाइम यहाँ पे पूरा हो गया है, तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हम ये सर्विस वर्कर्स वाला पार्ट कवर कर लेंगे, तो हमारा जो PWA का जो आधा कंटेंट था वो कवर हो गया हमारा, जो बकाया आधा है वो सर्विस वर्कर के अंदर लाए कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसमें क्या होगा जी कि सबसे पहली तो ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ कि जी हम क्या कर सकते हैं, कुछ पेजेस को हम कैशे करवा लेते हैं और वो ऑफलाइन भी चल रहे होते हैं। अच्छा अब चलो अभी ये कल ही हम डिस्कशन करेंगे कि वो ऑफलाइन कितनी हेल्पफुल होती है। ठीक है, वैसे तो ऑफलाइन सुनने में लगता है बड़ा अच्छा, लेकिन पेज लोड हो जाएगा बटन कोई काम नहीं, क्योंकि हर बटन के क्लिक पर तो पीछे API कॉल होती है ना, कोई बटन काम नहीं करेगा तो पेज लोड कराने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, पेज दिखेगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सही है, तो ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, कब उनका फ़ायदा होगा? 90% ऑफ द टाइम वो यूज़लेस रहती हैं। ठीक है, ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ जो हमें देता है PWA। अच्छा लेकिन वो तो मोबाइल ऐप में भी होता है, मोबाइल ऐप भी आपकी जो होती है उसमें भी अगर खुल जाए स्क्रीन और इंटरनेट बंद हो, अब उस स्क्रीन पे वो लॉगिन पे खड़ा रहेगा चुप करके, आगे ही नहीं बढ़ेगा जब तक आपका इंटरनेट नहीं ऑन होगा, तो वो तो मोबाइल ऐप में भी होता है, तो काइंड ऑफ वही एक ही पेज पे खड़े हुए होते हैं हम। अच्छा पीरियोडिक सिंक क्या चीज़ होती है कि ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ में जब हम पेज मंगवा के रख लेते हैं तो अब उसको पीरियोडिकली सिंक करना होता है, हर
कुछ घंटे बाद उसको अभी नया पेज में चाहिए होता है, वरना सर्वर पे अपडेट हो जाएगा मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो पीरियोडिक सिंक हो गया। पुश नोटिफिकेशंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें PWA देता है, ठीक है। एक तो इंस्टॉलेशन, दूसरा पुश नोटिफिकेशन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी सोशल पोस्टिंग ऐप में, अगर ये दो चीज़ें हो ना तो मोबाइल में हमें कोई तीसरी और चीज़ नहीं चाहिए, दो चीज़ें गुड इनफ है, ठीक है। कैमरा खुलवाना हो सकता है, वो हम देख लेंगे कि वो किस तरह होता है। अच्छा, अब ये कुछ और ऐप कैपेबिलिटीज़ है, अगर टाइम बच गया हमारे पास, या मे बी नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में हम इनको भी कुछ कर लेंगे कि जी विजिट्स वगैरह और शेयर टारगेट, कि जी शेयर का बटन दबाएं तो क्या खुल जाए, ये सारी चीज़ें भी हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। ठीक है यार, चलो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, बाय।